नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। जब बचपने में होमवर्क नहीं मिलता था वो दिन बेहद अच्छा लगता था। ऐसा लगता था इस बात को कब घर पहुंचे और बता दें। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मम्मी को ये बताया जाता था कि मम्मी आज कोई होमवर्क नहीं मिला है। वास्तव में जो HW है ना, इसका जो हवा है, इसका जो भय है, बचपने में बेहद रहता है। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या होमवर्क देना बच्चों के लिए जरूरी है? नौनिहालों को होमवर्क दिया जाना कहां तक सही है? मुद्दा एक बार फिर बहस में है। कक्षा 3-5-8 के लिए हुए नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि देश में अब भी शिक्षकों का बहुमत मानता है कि बच्चों के लिए होमवर्क बेहद जरूरी है। इससे उनकी पढ़ाई का सही आकलन हो सकता है। यही वजह है कि 74% से ज्यादा शिक्षक पढ़ाने के लिहाज से स्कूल में मिलने वाले समय को अपर्याप्त मानते हुए बच्चों को घर पर किए जाने वाले काम देते हैं ताकि उन्हें दी जा रही शिक्षा का सही आकलन किया जा सके। सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड के साथ उन राज्यों की सूची शामिल है जहाँ शिक्षक लगभग पूरी तरह से छात्रों का आकलन होमवर्क के आधार पर करते हैं। कर्नाटक में 83% शिक्षकों ने छात्रों की क्षमताओं का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में होम असाइनमेंट का उपयोग किया, जबकि 39 ने प्रोजेक्ट कार्य को महत्व दिया। सर्वेक्षण में इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा प्रोजेक्ट वर्क को अधिक महत्व देते हैं। सर्वेक्षण के नतीजों को सही गलत मानने को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है। शिक्षकों का एक तबका मानता है कि स्कूल के एक पीरियड में इतना समय नहीं मिल पाता है कि विद्यार्थियों को विषय से संबंधित समुचित जानकारी दी जा सके। वहीं एक वर्ग कहता है कि अवधि पर्याप्त होती है जिसमें छात्रों को मनोरंजक तरीके से विषय के बारे में सिखाया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।